माताओं एक बात याद रखना, भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का पुत्र आपके घर में जरूर आएगा अगर माँ तीन बातों का हमेशा ख्याल रखे। वरना आज के जमाने में तो गर्भवती मैया होवे ना तो घर में हीरो हीरोइन की फोटो लगा दे, बिटिया अगर होए तो श्रीदेवी जैसी हो, लला होए तो गोविंदा जैसी, है ना। लेकिन अगर एक माँ कुछ न कर सके तो सुबह उठ करके एक या डेढ़ किलो या दो किलो जौ या गेहूं जो गांव में चाकी पाई जाती है मिट्टी की है, उससे पीसे उठ करके एक या डेढ़ किलो जौ या गेहूं सुबह 4 बजे उठ करके पीसे, एक गिलास गाय का दूध सेवन करे, सुबह उठ करके 11 या 21 परिक्रमा मैया गाय के लगाए तो भगवान तो नहीं उनके गुणों का पुत्र आपके घर में जरूर होगा। बोले महाराज इन तीन चीजों से क्या होता, जैसे माताएं चाकी घुमाती है ना उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, उसी तरीके से प्रभु का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो चाकी में आवाज आती है गड़गड़ाहट की, वही आवाज भगवान के शंखों और घड़ियालों में आती है। जो गर्भवती मां चाकी चलाएगी उसका पूर्ण असर उसके गर्भ में पलता हुआ बच्चा हो या बच्ची उस पे पड़ता है। दूसरी बात, गाय का दूध सेवन करे तो गाय के दूध में बड़ा ज्ञान होता है, बड़ी जो भी पीले महाराज कहते कि उससे बुद्धि में परिवर्तन होता है, शुद्ध विचार होते। लेकिन अब तो भैंस को दूध पी पी के भैंस ही बुद्धि बन चुकी। गाय के दूध की छोड़ो, गाय का मूत्र भी सुगर वाला आदमी एक चम्मच रोज सेवन करे तो उसकी सुगर लेवल नहीं बढ़ती, ऐसा हमने डॉक्टर बोलते हैं। 21 परिक्रमा गाय के लगाने से बोले गर्भवती माँ कहीं बाहर नहीं जा सकती, जैसे मथुरा वृंदावन दाऊजी बरसाने गोकुल हरिद्वार शिरडी कहीं जा नहीं सकती, तो घर बैठे ही 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता गाय के शरीर में, तो घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करे। और एक मेरी तरफ से 9 महीना तक वैसे तो कबू ना है, अगर हो सके तो कबू बुराई मत करो, और जब तक गर्भवती माँ है तब तक कभी भी किसी की बुराई न करे। जे इनके पेट में दर्द हो बुराई ना ही करें, खाना ना ही खाएं, तो महाराज भगवान ने जब मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है तो कैसा स्वरूप था मेरे गोविंद का, अंतिम परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। इसलिए महाराज कृष्ण ने जाय के एक चीटी को रूप धारण करो और उस खम्भे पर ऊपर नीचे रिंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस चीटी पे पहुंची तो विचार किया कि मैं तो इतना बड़ा हूं, जब ये जरा सी चीटी नहीं जल रही है तो मेरा इतना बड़ा शरीर में कैसे जल जाऊंगा, और अगर जल भी जाऊंगा मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा, क्योंकि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरी न
जाएगी, कई अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। प्रहलाद उस खम्मे से भेंटने के लिए तैयार हुए, तब तक हिरण्यकश्यप ने तलवार को चला दिया, वो तलवार खम्मे में जा लगी, चर चर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तब हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और बोले हैं कि तू अपने वरदानों की याद कर। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले वरदान क्या है? बोला वरदान है न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोले अभी कहाँ है? बोले न तू ऊपर है न नीचे, भगवान ने घुटनों पे रख लिया। न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। बोले न तू भीतर है न बाहर है, भगवान ने बीच देहरी पे चौखट पे रख लिया। तूने कहा था कि न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, ना खूनों के द्वारा मारूंगा न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, काटोगे तो दर्द नहीं होगा और आठ दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन है न रात है, सूरज अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आई। और तूने कहा था कि मैं 12 महीनों में न मरूं, तो भगवान बोले दुनिया वाले इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो सब खिलाड़ियों के सरदार हैं। भगवान ने लोन का महीना शुरू कर दिया 13वां महीना। बोले मैं 12वें महीने तक नहीं मार सकता। पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ, आखिर नरिहर के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। मारे गए हिरण्यकश्यप महाराज, भगवान की इतनी बड़ी जीव, बड़े बड़े नाखून, देवी देवतागण भागने लगे। और जब भागने लगे तो मैया लक्ष्मी बोली बात का है, जो सब भाग रहे हो, हम जा रहे कितने बड़े आज उपद्रव कर रहे हैं हम देख रहे। और वैसे भी पति चाहे जितने भी गुस्से में हो और पत्नी सज धज करके एक बार मुस्करा दे, सब गुस्सा शांत। मैया लक्ष्मी भागी, बोले हम भी देख रहे। तो जैसी पहुंची महाराज, भगवान अट्ठाहस करके हंसे। जब हंसे दो चार पटकी तो मैया के भागत में ही लग गई। और जाय रही प्रहलाद को इशारा दियो, जाओ बेटा अपने पिता की गोदी में बैठो। तो गोदी में बैठे हैं प्रहलाद। महाराज भक्त और भगवान में इतना स्नेह है, अपनी जिभ्या के द्वारा प्रहलाद को गोविंद चाटने लगे। वरदान मांगो, आजकल लोग बेटा हो तो ना तो सीधी का तो प्राइम मिनिस्टर बनाओ या चीफ मिनिस्टर बनाओ। प्रहलाद बोले अगर देना है ना तो मेरे पिता को वैकुंठ धाम दे दीजिए। अरे बावरे
तेने तो कछु नाए मांगी पायो, क्यों जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान देना, महाराज भगवान के नाखूनों में मची खुजली। भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए तो खुजली शांति हो गई, लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि महाराज आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जा, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका एक बटा चार चौथाई का हिस्सा भक्ति का तुझमें प्रवेश हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं पांच बार कह दिया नरसिंह रे नरसिंह रे नरसिंह रे नरसिंह रे नरसिंह रे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान ने वरदान दिए और प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। उली कन्हैया लाल की, महाराज इसी वंश में प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, प्रहलाद की ध्यान देना तीसरी पीढ़ी पर परीक्षित एक राजा हुए जिनका नाम है विरोचन। क्या नाम है? विरोचन ना, विरोचन, हाँ विरोचन। और उन्हीं विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था, ऐसा था वो राजा। तो देवताओं की मां का नाम था अदिति और पिता का नाम था कश्यप, और राक्षसों की मां का नाम था दिति और पिता का नाम था कश्यप। राक्षसों के और देवताओं के पिता एक थे और माताएं दो थी। तो अदिति और कश्यप ने तपस्या की है, और जब तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए। मैया अदिति ने जवाब दियो है कि हे गोविंद, हे प्रभु। भगवान बोले तुम वरदान मांगो। बोले मैं मांग रही हूं लेकिन वरदान एक ही चाहिए। क्या? आपके जैसा बेटा मेरे घर में आ जाए, आपके जैसा बेटा। भगवान हंसने लगे, बोले मैया मेरे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में होना है और तू हमें मांग रही, लेकिन तूने इतनी तपस्या की है तो मैं स्वयं तेरे घर में अवतार लूंगा।